हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे पास एक्टिवा आ रखी है ओल्ड मॉडल की, तो इसमें एक्सीलेटर की प्रॉब्लम आ रखी है। तो ये भैया आए थे मेरे पास, तो कहते कि वायर चेंज कर दो, बट वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सीलेटर हमारा पूरा वर्किंग में है। तो इन्होंने कहीं पे गाड़ी का इंजन वगैरह कराया था, तो बहुत टाइम से परेशान है। मैं आपको प्रॉब्लम समझाता हूँ क्या हो रखी है। ये हम आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा एक्सीलेट हो रखी है, नहीं हो पा रही। मैं बंद ही कर देता हूँ, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। तो आपकी यहाँ पे एल्बो देख सकते हैं, आप यहाँ पे एल्बो, या आप एल्बो लीक हो गई है यहाँ पे। तो भाई देख सकते हैं इसका आरपीएम कितना ज़्यादा है। तो अभी हम ये स्पंज के साथ इसको यहाँ पे एल्बो पे रख के दिखाता हूँ मैं आपको, कितनी स्लो हो जाएगी गाड़ी। तो आप खुद देख सकते हैं कि अभी ये गाड़ी स्लो हो चुकी है। तो हमारे ये एल्बो का जो पैकिंग होता है, या तो वो गलत लगाया हुआ होगा या तो फिर वो टूट गया हुआ होगा। तो खोलते हैं। देख सकते हैं आप, जैसे जैसे मैं इसको टाइट कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा मैंने इसे गीला कर रखा है। आरपीएम देख सकते हैं आप कितना स्लो होता जा रहा है अपने आप ही। अब मैं इसे हटाता हूँ तो आप आरपीएम देखना आप कितना फास्ट हो जाएगा। इसे खोल लेते हैं फिर देखते हैं, या एल्बो ख़राब है या तो उल्टी लगाई है। तो खोल के फिर ही पता लगेगा। तो वीडियो में बने रहें, एंड तक ज़रूर देखें। पैकिंग लीक हुई होगी, नई पैकिंग ले आई इसकी, पैकिंग चेंज कर देते हैं इसकी। हड्डी तो सही बता रही है। इसको ये देख सकते हैं, हमने इसे पूरा क्लीन कर लिया हुआ है, और इसकी ये प्लास्टिक वाली पैकिंग भी क्लीन हो गई हुई है। ये हमारी पुरानी निकली थी, अब इसमें हम न्यू लगाने वाले हैं। तो ये हमें मिल गई है पैकिंग में से। तो अब हम इसे, ये ओरिंग आपने ध्यान रखना है कि ये ओरिंग तो है यहाँ पे, तो हम इसके साथ पैकिंग में यहाँ पे फिक्स करके देन ये वाला ओरिंग हमारा उसमें जाएगा, जो आप वहाँ पे बेंच देख सकते हैं जो एल्बो टाइप में यहाँ पे, इसमें यहाँ की साइड रहना चाहिए। तो आप इसको देख सकते हैं, वैसे ये डायग्राम पूरा बना हुआ होता है, उसके बिना वो ये साइड भी नहीं होगा। तो अब यूँ लगा के हम इसे देखते हैं स्लो होती है कि नहीं, फिर आगे चलते हैं। कर रहे इसे टाइट। तो गाइस देख सकते हैं, हमने इस पर पैकिंग चेंज कर दी हुई है, यहीं से लीक हो रही थी। हमने स्पंज से स्पंज गीला करके यहाँ पे लगा के देखा तो यहाँ से एयर बबल्स आ रहे थे। तो एयर बबल्स क्या, वो अंदर सक कर रहा था सारा पानी का पानी। तो अब इसे चेंज कर चुके हैं, और आपको मैं आरपीएम दिखाता हूँ। तो गाइस अब देख सकते हैं कितना आरपीएम स्लो है। अगर आपको पीछे का टायर भी दिख रहा होगा, यहाँ पर मड फ्लैप वगैरह है नहीं, तो आपको टायर भी दिख रहा होगा पीछे, वो आइडल पे रुका हुआ है। तो मैं एक्सीलेट देता हूँ, इसका एक्सीलेटर देता हूँ तो ही चलेगा, और वो अपने आप रुक जाएगा। अगर मैं आरपीएम छोड़ देता हूँ, तो एक्सीलेटर छोड़ देता हूँ, तो ये अपने आप रुक चुका है। आप देख सकते हैं पहले ये रुक नहीं रहा था, अगर आपने वीडियो में नोटिस करा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान नहीं रहती, बट ये सारी चीज़ें हमें अपने आप करवानी चाहिए, क्योंकि कल को ये मैकेनिक कहते हैं कि आपका ये चेंज हुआ है, वो चेंज हुआ है,
तो आई होप आप सबको ये वीडियो समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करके बताएं, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।